गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान. इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर नेम, प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. नाउ इन दिस क्लास यू विल लर्न असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. यू नो इट वेरी वेल, यू हैव डन इट इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो, बट डिफरेंस इज दैट in this class you will learn how to arrange a decimal number, how you can arrange decimal numbers according to ascending and descending order, how will you compare them. So let's start beta. Iske liye dekhiye kya karna hai. Aap dekh rahe hain yahan pe two numbers hain, one is 0.33, other is 0.12, and we have to compare them. To inko compare karne ke liye sabse pehle aap kya karenge, whole number ko compare karenge. 00 same. अब आप डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस. आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, जितना हम राइट साइड जाते जाएंगे नंबर स्मॉलर होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है 10 से डिवाइड होगा तो कुछ स्मॉल है, 100 से होगा उससे ज़्यादा स्मॉल है. तो हम प्लेस के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे. अब हम करेंगे इनको कंपेयर, 3 और 1 को. 3 इज़ बिगर देन 1. 10th प्लेस के डिजिट को कंपेयर किया तो 3 बिगर है, इट मीन्स फर्स्ट नंबर इज बिगर देन सेकेंड. क्लियर है? लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. यहाँ देखिए बेटा, यहाँ आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपने उनको कंपेयर करना है. कैसे कंपेयर करेंगे? आपने सबसे पहले वंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं, ये नंबर वंस प्लेस तक है, तो उसको कंपेयर करेंगे. तो आप देख सकते हैं इन दोनों में 1 और 2, बाकी सब 0 हैं. 1 और 2 जो है वो इनसे बिगर हैं, और 1 और 2 में विच इज़ ग्रेटर, 2. इट मीन्स लास्ट नंबर इज सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर पे आएगा. उसके बाद अगर हम डिसेंडिंग में अरेंज करें, सेकंड नंबर पे बड़ा है ये 1 वाला. अब जो बाकी रह गए 0 वाले, अब उनको कंपेयर करेंगे. होल नंबर तो सेम है. अब हम 10th प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे उनकी. तो यहाँ देखिए 3 1 2 1. अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 3. तो इट विल कम ऑन थर्ड प्लेस. 2 वाला सेकेंड, 10th प्लेस की डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं, 1 वाला फोर्थ. इस तरह से आप इसे कंपेयर करेंगे. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल. तो इस तरह से बेटा आप नंबर को 1 बाय 1 कंपेयर कर रहे हैं. आप देख सकते हैं इसलिए 2.32, क्योंकि 2 सबसे बड़ा था, फर्स्ट नंबर पे हमने कहा था वह आएगा. उसके बाद 1 वाला बड़ा था, हमने सेकंड नंबर पे उसी को अरेंज किया था. देन 0 वालों में कंपेयर किया तो कौन सा बड़ा है, तो यहाँ देखिए इनमें से 0 वाला में देखें तो कौन सा, 0.33 है एक, तो एक 0.12 है. तो 3 बिगर होता है 1 या 2 से, तो थर्ड नंबर पे वो आ गया. 0.292 3 के बाद आएगा 2 वाला नंबर, और उसके बाद क्या आना है, 0.13. क्लियर है? नेक्स्ट. तो बेटा यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, सबसे पहले हमें पुट ऑल द नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड फिल द एम्प्टी प्लेसेस विद 0, मींस लाइक में कन्वर्ट कर दो. लाइक में कैसे, कोई नंबर ये 2.3 है, इसको कंपेयर करना है 1.69 से, तो बेटा यहाँ 2 प्लेसेस है, यहाँ 1 है, तो इसके पीछे 0 लगा के हम कंपेयर कर सकते हैं. इस तरह से कोई भी ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे. देन स्टार्ट कंपेरिजन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम ऑन द लेफ्ट. तो लेफ्ट साइड से कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे. अभी आपको बताया था होल नंबर से जो आपके लेफ्ट साइड है, फिर 1 बाय 1 वहाँ से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट प्लेस, नेक्स्ट प्लेस, लेफ्ट टू राइट हम कंपेरिजन करते आएंगे. क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे. यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कंपेरिजन के लिए सबसे पहले आपने इसमें से देखना है, बताना है विच इज़ ग्रेटर. तो देखिए 0.00 दोनों में सेम है, लेफ्ट साइड दोनों की फर्स्ट डिजिट सेम है. उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 4 इज़ ग्रेटर, सो 0.47 इज़ ग्रेटर. नेक्स्ट है 182.6, और ये 181 है, 182 इज़ ग्रेटर. ये तो इजी था, क्यों लाइक डेसिमल्स में, क्योंकि होल नंबर से ही हमें पता चल गया. वैसे लाइक में बदल जरूर लिया करो, नहीं तो आप भूल जाओगे, मिस्टेक कर दोगे. नेक्स्ट में देखिए विच इज़ ग्रेटर,
आप कहेंगे 0.10 क्योंकि वो 9 है। नो बेटा, इस तरह से नहीं चलेगा। डेसिमल के बाद लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने पर आपको पता चलेगा विच इज ग्रेटर। यहाँ पे देखिए 10 लगाते ये 90 बन गया। सो विच इज ग्रेटर, 10 इज नॉट ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ देखिए 6, दोनों साइड 6 है, ये तो सेम है। अब नेक्स्ट है 9, इसमें 6, तो ये ग्रेटर है। नेक्स्ट चलेंगे 126.60, 126.6। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा लाइक में बदल लीजिए, इसकी भी 2 places। अब देखिए दोनों सेम हो गया। अगर आप खाली इसको लाइक में बिना बदले करते तो आप लेफ्ट साइड वाले को ग्रेटर बता देते, और विच विल बी रॉन्ग, जो रॉन्ग होगा। वैसे तो इक्वल है ये। अब देखिए नेक्स्ट में, यहाँ पे फिर इक्वल उसमें नहीं है, लाइक में, हम लाइक में बदल लेंगे। अब 800, 342 तो दोनों में सेम है, 810 इज ग्रेटर। यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती थी अगर आपने इसको लाइक में नहीं बदला था। अब नेक्स्ट देखिए, अगेन अनलाइक डेसिमल्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक दैम लाइक। ओके, अब लाइक में बदल गया है। अब ये इधर 130, यहाँ पे भी वही मिस्टेक हो सकती थी, 4 तो सेम था, 130 इज़ बिगर देन 123। ओके बेटा, नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर 75.826 और उधर है 75.825। यहाँ तो कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि 826 इज़ बिगर। नेक्स्ट में देखिए 71.780 और उधर है 708। यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है, 780 बिगर होता है 708 से, सो दिस विल बी ग्रेटर। इन नेक्स्ट अगेन अनलाइक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दैम इन लाइक, क्योंकि अगर आप अनलाइक में ही आप इसको कंपेयर कर दोगे तो डेफिनेटली यू विल मेक एरर, बिकॉज 820 ये भी 820 बन जाएगा लाइक में कन्वर्ट करती है, और दिस विल बी इक्वल, और आप इसे ग्रेटर बता सकते थे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब असेंडिंग में करना है बेटा, यहाँ पे भी वही रूल है कंपैरिजन के ड्यूरिंग। अगर डेसिमल केस है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट देम इन लाइक, देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है, ये बन जाएगा 530। लेट मी डू, जूम कर लेती हूँ बेटा आपको शायद। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके 530 पीछे 0 लगा दूँ तो ये 530 बन गया। अब देखिए विच इज़ स्मॉलर, क्योंकि असेंडिंग मीन्स एरोप्लेन टू एयर, तो स्मॉलर टू बिगर, तो सबसे पहले क्या आएगा 0.005, क्योंकि हॉल नंबर को कंपेयर करने पर 0 इसी में है। अब सेकंड नंबर पर क्या आना चाहिए, तो देखिए 6 वाले हैं बाकी सभी, हॉल नंबर सबका सेम है, लेफ्ट साइड वाले डिजिट सेम है। नेक्स्ट प्लेस को कंपेयर करेंगे, हमें पता है लेफ्ट से कंपैरिजन स्टार्ट करनी है और राइट की साइड चलना है, तो नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करें, 0 है, इसमें 5 है, इसमें फिर ये तो कंपेयर हो चुका है, 3 है, तो 0 इज स्मॉलर, सो सेकंड प्लेस पर ये आएगा, देन 3 इज स्मॉलर, फिर 4। देखिए लाइक में कन्वर्ट नहीं करते तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। वैसे एक और प्रोसीजर है कि आप लेफ्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करने लगे तब भी मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। जैसे कि आप इसमें ही ले लो, 6 को कंपेयर किया इक्वल है, 8 को कंपेयर किया इक्वल है, नेक्स्ट 2 को कंपेयर किया इक्वल है, इसमें 0 है, इसमें गिवन नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ भी 0 है, तो इक्वल है। तो इस तरह से भी बेटा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट के कंपैरिजन के लिए ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में है, इजी है करना। फिर फर्स्ट लेफ्ट साइड से 2 डिजिट सब में सेम है, 19। अब हम नेक्स्ट प्लेस को कंपेयर करेंगे, 10th प्लेस को, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 0, तो 2 में 0 है, तो 0 वाले स्मॉल होते हैं, तो उसके लिए उनमें नेक्स्ट प्लेस कंपेयर करते हैं, 1 में 7 है और 1 में 1 है, तो 1 इज स्मॉलर, सो फर्स्ट प्लेस पे ये आएगा, सेकंड पर ये। अब थर्ड प्लेस के लिए हमें पता है 0 के बाद 1 की बारी आती है, तो 10th पे इसमें 1 है और 4th पे ये, इस तरह से। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट में देखिए बेटा 400 इक्वल है सब में। अब नेक्स्ट प्लेस को कंपेयर करें, किसी में 2 है, किसी में 0 है, किसी में 7 है, किसी में 7 है, तो 2 और 0 स्मॉलर हैं, तो 2 और 0 में 0 स्मॉलर है, तो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पर ये। अब बारी है बाकी बचे हुए में से, उनमें 10th प्लेस पर भी सेम है, 7 7। अब नेक्स्ट प्लेस को कंपेयर करें, 1 में इसमें 2 है, उसमें गिवन नहीं है, इट मीन्स 0 है, तो कौन सा स्मॉलर है, ये फोर्थ नंबर पे आएगा ये। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से आप इसे अरेंज करेंगे।
नेक्स्ट में देखते हैं बेटा। नेक्स्ट के लिए सबसे पहले लाइक में ऑलरेडी है, हमने लेफ्ट डिजिट को कंपेयर किया, 2 है सब में। अब 10th प्लेस के डिजिट को कंपेयर करेंगे, 1 में ही है, तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पे असेंडिंग में स्मॉलर सबसे पहले आता है। देन इसके बाद क्या आएगा, 811 स्मॉलर है। नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करें, 1 है इसमें तो, और 1 एक और में 1 है इसमें, लेकिन फिर थर्ड डिजिट इसमें 1 है उसमें 8 है, इसीलिए ये सेकंड पर और ये थर्ड पर, और जो बच गया वो फोर्थ नंबर पर। इस तरह से आप कंपेयर करके असेंडिंग में अरेंज करेंगे। नाउ लेट्स अरेंज इन डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। और मैंने कोड बनाया था, डी से दादाजी, द साउंड होगी, सेम साउंड है, और दादाजी सबसे बड़े बाकी छोटे, तो बिगर टू स्मॉलर। तो देखिए बेटा, डिसेंडिंग में करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढते हैं, और सबसे बड़ा ढूंढने से पहले लाइक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बाकी सभी है लाइक में, बस इसको छोड़ के इसको बना देते हैं। अब देखते हैं बड़ा कौन सा है। तो देखिए आगे होल नंबर को कंपेयर करते हैं, ये 218 है, 281 और लास्ट 218, तो 18 तो स्मॉलर होता है 200, और 81 बिगर होता है। अब 18 वाले 2 हैं, अब उन 2 में बाद वाले डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, 88 सेम है, उसके बाद इसमें 2 है इसमें 1 है, तो 2 इज़ ग्रेटर, सो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पर ये। अब बचे हुए 2 नंबर को कंपेयर कर लेते हैं, एक में 218.81 है और इसमें 218.90 हो गया लाइक में कन्वर्ट करने के बाद, तो 90 इज़ बिगर, सो ये थर्ड प्लेस पे, ये फोर्थ पे। क्लियर है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में देखिए बेटा, अगेन अनलाइक है, 1 लास्ट वाला लाइक में नहीं है, बाकी सब लाइक में है, 3 प्लेसेस हैं, इसकी भी 3 बना दी हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, तो बिगर कौन सा है इसमें से, पहले 11 सब में सेम है, नेक्स्ट डिजिट 0641, तो कौन सा बड़ा है, 6 वाला बड़ा है, तो फर्स्ट पे ये। अब सेकंड नंबर पे 4 आता है, तो सेकंड पर ये। 10th प्लेस को कंपेयर करके हमें पता चल रहा है, उसके बाद 1 आता है, तो थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये, हमें 10th प्लेस के डिजिट को कंपेयर करके ही सब कुछ फाइनल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, ये भी अनलाइक है, पहले लाइक बना लें, 20 इसके पीछे और इसके पीछे 1। अब देखते हैं इसमें कंपेयर करते हैं, तो आगे जो लेफ्ट साइड 2 डिजिट है वो सेम है सब में, 30 30 30। अब 10th प्लेस को कंपेयर करते हैं, 0 0, यहाँ पर 3 3, तो 0 तो स्मॉलर होता है, तो 3 वाले बिगर हैं। अब इन 3 वालों में देखते हैं, ये 301 है, ये 300 है, तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, और इनमें से कंपेयर करते हैं। अब 10th प्लेस तक इक्वल हैं, 0 0 है, नेक्स्ट प्लेस 100th प्लेस भी सेम है, 3 3, उससे नेक्स्ट 1000th प्लेस में इसमें 1 है उसमें 0 है, तो ये थर्ड पर और ये फोर्थ पर। इस तरह से लेफ्ट टू राइट हम प्लेसेस को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में देखिए बेटा, ऑलरेडी लाइक में है, अब इसे कंपेयर करना है, 0 0 सबकी सेम है लेफ्ट साइड, उसके बाद 10th प्लेस 0 0 5 0, सो 0 तो स्मॉलर है, 5 बिगर है, तो ये फर्स्ट पर। सेकंड पर क्या आएगा, अब बाकी में 0 0 सेम है, तो नेक्स्ट प्लेस उनके कंपेयर कर लेते हैं, 4 4 0, तो 4 वाला बिगर होता है। अब 4 वाले दोनों नंबर में से चेक करते हैं, नेक्स्ट प्लेस के बेस पे कंपेयर करते हैं, 5 and 0, सो 5 इज़ बिगर, सो फर्स्ट पर, सेकंड पर ये, फर्स्ट तो आ चुका है, थर्ड पर ये, और रिमेनिंग विल बी एट फोर्थ प्लेस। ओके, सो लेट्स एंड टुडेज क्लास।